वासियों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत और खुशी भरा रहा, क्योंकि 7 साल की बच्ची त्रिशा कोरोना से जंग जीतकर वापस घर लौट आई। वहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि नवापारा से गए 3 मरीज भी बहुत जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। त्रिशा के घर लौटने पर जहां उनके परिवार में वापस खुशियां लौट आई, तो वहीं पड़ोसियों ने भी त्रिशा का स्वागत फूल बरसाकर थाली व तालियां बजाकर किया। त्रिशा को सकुशल वापस देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। ज्ञात हो कि पिछले शनिवार 6 जून को नवापारा शहर में एक साथ 4 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे। इनमें से 3 पुरुष और 1 7 साल की बच्ची त्रिशा भी शामिल थी। सभी को रात में ही कोविड हॉस्पिटल माना के लिए भेज दिया गया था। उनमें से सबसे पहले त्रिशा ठीक होकर वापस अपने घर पहुंची। जानकारी के अनुसार 3 पुरुष मरीजों की हालत भी ठीक है और उन्हें भी जल्द छुट्टी दिए जाने की उम्मीद है। गुरुवार शाम 3 बजे जैसे ही त्रिशा अपने घर पहुंची, तो घर पर मौजूद परिवार के सदस्य काफ़ी खुश नजर आए। बच्ची को वापस अपने बीच पाकर परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहीं जैसे ही बच्चे के लौटने की बात आसपास में रहने वाले पड़ोसियों को हुई, तो वे भी बच्ची के घर के पास पहुंच गए और फूल बरसाकर व ताली बजाकर त्रिशा का हौसला अफजाई किए। यहां पर यह बताना लाजमी होगा कि 6 जून को गोबरा नवापारा के जो 4 मरीज संक्रमित पाए गए थे, उनमें किसी भी प्रकार के कोरोना सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे। वे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। जानकारी के मुताबिक ऐसे मरीजों की जल्द स्वस्थ होने की संभावना बनी रहती है और ऐसे लोग अन्य दूसरे को भी बहुत ही कम संक्रमित करते हैं। बच्ची के ठीक होकर वापस लौटने के बाद बाकी बचे 3 मरीजों की जल्द लौटने की संभावनाओं से नगर वासियों ने भी राहत की सांस ली है। ज्ञात हो कि एक साथ एक ही दिन में नगर के 4 अलग-अलग जगहों से 4 कोरोना मरीज सामने आने से शहर में दहशत का माहौल बन गया था। लोगों में कोरोना वायरस को लेकर एक तरह का भय व्याप्त हो गया था। अब इस बच्ची के स्वस्थ होकर सकुशल घर वापस लौटने व बाकी मरीजों की जल्द ठीक होने की संभावनाओं से लोगों में एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सभी ने बाकी अन्य लोगों को भी जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना भगवान से की। नन्ही त्रिशा के स्वागत करने के लिए मौके पर पालिका अध्यक्ष धनराज मंध्यानी व पार्षद बॉबी चावला मोहल्ले वासियों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, दोनों नेताओं ने त्रिशा को गुलाब भेंट किया और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की बधाई दी। वहीं मोहल्ले वासियों ने ही भी फुर्रे की आवाज से उसका मनोबल बढ़ाया। पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ने कहा कि यह खबर नगर वासियों के लिए सुकून भरी है कि आज 7 साल की नन्ही बेटी त्रिशा कोरोना को मात देकर वापस घर लौट आई है। हमें उम्मीद है कि बाकी बचे 3 मरीज भी जल्द ही सकुशल वापस घर लौट आएंगे और हमारा नवापारा शहर कोरोना से मुक्त होगा। पार्षद बॉबी चावला ने वार्ड सहित नगर वासियों से कोरोना की रोकथाम और बचाव की जागरूकता के लिए ध्यान देने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन ईजाद नहीं हो पाया है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना ही इसका बचाव है। हम इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। नवापारा राजिम से DNX TV के लिए विशेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। We'll be right back.
आजा आजा आजा। ऊपर ऊपर सिर में, सिर में वो भी आता है। हेलो सर, हेलो।